हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बेल्स पाल्सी का अटैक कितना आया है, मतलब हम ये अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में कि आपको अटैक कम आया है, ठीक ठाक अटैक आया है या फिर ज़्यादा अटैक आया है, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ पाता बेल्स पाल्सी के अटैक के दौरान कि ये शुरुआत में कम है कि शुरुआत में ही ज़्यादा है कि आगे और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको बेल्स पाल्सी का अटैक ज़्यादा आया है, कम आया है या ठीक ठाक आया है, उसके लिए एक स्केल होता है, मतलब एक आपको स्केल मिलता है, 6 अंकों का स्केल होता है जिसमें कि ग्रेड्स दिए जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हर बीमारी का एक ना एक ग्रेड होता है, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो वैसे ही बेल्स पाल्सी भी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमें पता चलती है कि ज़्यादा सिवियर है कि ठीक ठाक है। तो ये 6 नंबर्स का ग्रेड है, तो उस स्केल को बोलते हैं हाउस ब्रैकमन स्केल। जो पहला ग्रेड है हाउस ब्रैकमन स्केल का वो है नॉर्मल, जिसमें कि फेस की सारी मूवमेंट वापस आ जाती है, फेस पहले जैसा नॉर्मल लगने लगता है। अब बात आती है ग्रेड 2 में होता है माइल्ड डिसफंक्शन। अब उसमें क्या होता है ये देखते हैं। तो ग्रेड 2 चेहरे में जब बेल्स पाल्सी ग्रेड 2 की होती है उसमें क्या होता है कि आपके चेहरे पर हल्की सी वीकनेस नोटिसेबल होती है, मतलब कि कोई अगर आपके फेस को बहुत ऐसे डीप पास से देखेगा तो ही उसको आपके फेस का हल्का फुल्का एसिमेट्री या उसको वीकनेस देखने को मिलेगा। और ऐसे अगर आप रेस्ट में रहते तो आपका फेस पूरा सिमेट्री में रहता है, कोई भी टेढ़ापन विजुअलाइज नहीं होता है। और अब बात करते हैं मूवमेंट की, तो फोरहेड में जो मूवमेंट है वो ग्रेड 2 में मॉडरेट टू गुड फंक्शन, मतलब कि ठीक ठाक से अच्छा वर्क करेगा फोरहेड की मसल्स। आईज़ में कंप्लीट क्लोजर, मतलब अच्छे से बंद हो जाएंगी आईज़, और आप आईज़ बंद करने में भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से आंखें हल्के फुल्के एफर्ट के साथ बंद हो जाती है। अब बात आती है माउथ की, तो माउथ में आपको हल्की फुल्की एसिमेट्री ग्रेड 2 में देखने को मिलती है, बहुत हल्की फुल्की एसिमेट्री। तो ये थी सारी डिटेल्स ग्रेड 2 के बारे में। अब बात आती है ग्रेड 3 की मॉडरेट डिसफंक्शन। अब ग्रेड 3 में हमारे ओवरऑल चेहरे में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस मूवमेंट में हमें देखने को मिलेगा कि एसिमेट्री रहती है बट चेहरे में डिसफिगरमेंट नहीं आता, मतलब कि हल्की फुल्की और टेढ़ापन आपको आपके फेस में ज़रूर दिखेगा लेकिन डिसफिगरमेंट मतलब चेहरा पूरा ही टेढ़ा हो जाता है जैसे, उसमें आपको इस ग्रेड में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सिनकाइनेसिस भी हल्का फुल्का आपको देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्चर भी हल्का फुल्का देखने को मिलेगा, स्पाज़म मतलब चेहरे में अकड़न हल्की फुल्की देखने को मिलेगी बट ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और अब बात आती है मोशन की, मोशन में क्या होगा कि आपका जो फोरहेड की मसल्स है जो ग्रेड 2 में बहुत सही मतलब सही से बेहतर काम कर रही थी, इसमें ठीक ठाक काम करती हैं। और आप अगर चेहरा अपने रेस्ट में रखेंगे तो आपको एसिमेट्री इसमें नहीं देखने को मिलती। और अब बात करते हैं माउथ की, तो माउथ में भी आपको वीकनेस हल्की फुल्की देखने को मिलेगी। ग्रेड 3 में आपको आई में कंप्लीट क्लोजर मिलेगा, मतलब आप अपनी आंखें अच्छे से पूरी बंद कर पाएंगे बट आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जहाँ कि ग्रेड 2 में हमारी आई क्लोजर में हमको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा था, ग्रेड 3 में आपको आँखें बंद करने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बात थी ग्रेड 3 की। तो हमने अभी जाना ग्रेड 1 नॉर्मल, ग्रेड 2 माइल्ड डिसफंक्शन, ग्रेड 3 मॉडरेट डिसफंक्शन। अब बात आती है ग्रेड 4 की मॉडरेट टू सिवियर डिसफंक्शन। तो इसमें हमें ग्रॉस में क्या देखने को मिलेगा, मतलब हमारे चेहरे में वीकनेस तो देखने को मिलेगी ही, डिसफिगरिंग मतलब कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेढ़ापन या छोटी आँख इसमें ऐसे देखने को मिलती है। और लेकिन रेस्ट में आपकी सिमेट्री नॉर्मल रहती है, मतलब आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन इसमें नहीं दिखता है। मोशन की बात करें तो माथे की मसल्स में फोरहेड में मोशन नहीं होता, 0। आईज़ में इनकम्प्लीट क्लोजर, मतलब कि कम्प्लीटली नहीं बंद हो पाती, थोड़ी बहुत इसमें आंखें खुली रहती है इस ग्रेड में। और माउथ आपका टेढ़ा रहता है विद मैक्सिमम एफर्ट, मतलब आप जितनी कोशिश कीजिए आप अपने माउथ को सीधा इसमें नहीं कर पाते। ये था आपका ग्रेड 4। ग्रेड 5 सिवियर डिसफंक्शन। अब सिवियर डिसफंक्शन में क्या होगा और ग्रॉस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ओनली बेयरली परसेप्टिबल मोशन, मतलब कि बहुत कम मोशन, बहुत हल्का फुल्का मोशन देखने को मिलेगा। रेस्ट में बहुत ज़्यादा सिमेट्री नहीं रहती है, एसिमेट्री का नहीं बंद हो पाती, इनकम्प्लीट क्लोजर। माउथ में हल्की फुल्की मूवमेंट रहती है, मतलब बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट रहती है और माउथ भी सिमेट्रिकल नहीं रहता। ग्रेड 6 लास्ट ग्रेड है, टोटल पैरालिसिस, कोई मूवमेंट नहीं अगर हो रही है, माथे में कोई मूवमेंट नहीं है, आंखों में कोई मूवमेंट नहीं है, फेस
में कोई भी एक्सप्रेशन आप बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, लिप्स बिल्कुल आपके अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, टेढ़े हैं, तो आपके जो पैरालिसिस का ग्रेड है वो ग्रेड 6 है, जो कि सबसे ज़्यादा सिवियर ग्रेड होता है बेल्स पाल्सी का। तो ये थे टोटल 6 ग्रेड बेल्स पाल्सी के। अब आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अपने फेस के एक्सप्रेशन के साथ, मूवमेंट के साथ ये पहचानिए कि आपको कौन सी ग्रेड की बेल्स पाल्सी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बेल्स पाल्सी का अटैक ज़्यादा हुआ है या आपको बेल्स पाल्सी का अटैक कम हुआ है, आपको ठीक ठाक बेल्स पाल्सी का अटैक हुआ है, क्योंकि इसी ग्रेडिंग के ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन तो फेस में लिया होगा जिन जिन को बेल्स पाल्सी हुआ है, तो ये वीडियो मैंने मेन इस पर्पज़ से बनाया है कि किस ग्रेड की मसल की मूवमेंट में हमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, मतलब कि मशीन की करंट थेरेपी लेनी चाहिए, किस ग्रेड में नहीं लेनी चाहिए। तो ये ग्रेडिंग मैंने पहले आपको इसलिए समझाई है ताकि आप अच्छे से पता लगाएं आपको किस ग्रेड की बेल्स पाल्सी हुई है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगी कि आपको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन बेल्स पाल्सी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपका मैंने कंफ्यूजन क्लियर किया होगा। अब आपको ग्रेडिंग पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस ग्रेड का बेल्स पाल्सी का अटैक हुआ है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बेल्स पाल्सी में इस्तेमाल होने वाली करंट थेरेपी के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। मैं उसमें आपको अच्छे से बताऊँगी कि आपको कौन से ग्रेड में लेनी चाहिए करंट थेरेपी, और क्यों लेनी चाहिए, और कौन से ग्रेड में नहीं लेनी चाहिए, और क्यों नहीं लेनी चाहिए, और हमें कितने टाइम तक इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑफकोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जितने भी वीडियोज़ डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँच जाइए। और कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के आंसर्स का रिप्लाई करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके, और तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।